बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आयशा की उस किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली रेसिपी, और वो है पिज़्ज़ा इन बाउल। अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का दिल है और आप उसकी डो भी नहीं बनाना चाहते, तो फिर आप ये पिज़्ज़ा बनाएं। बहुत जल्दी बनेगा और आसानी से बन जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे उसके लिए 3 टेबल स्पून मैदा, साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, बहुत थोड़ा सा। 1/8 टीस्पून ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, नमक ऐड करेंगे चुटकी भर, थोड़े से मिक्स हर्ब ऐड करेंगे ताकि उसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारी डो के अंदर। देखिएगा कि ये ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनेगी कि आप बार बार फिर यही बना के खाएंगे, और क्योंकि ये बनती ही बहुत जल्दी है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे दही, 1 टीस्पून ऐड करेंगे ऑयल, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। पानी ऐड करेंगे इसको मिक्स करके, इसकी डो बनाने के लिए जो मिक्स करके हमने इसका बैटर तैयार करना है, और इस तरह से हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसको स्मूथ कर लेंगे ऊपर से, और फिर हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पर हम इसे बेक करेंगे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में। जी देखिए, ये मैंने बेक कर लिया था, और कितना अच्छा माशाल्लाह डो बना है। ये देखिए आप, इतना सॉफ्ट। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, साथ ही थोड़ा सा चिकन अगर आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर लें। कुछ हम इसके अंदर कैप्सिकम, शिमला मिर्च कटी हुई ऐड करेंगे क्यूब्स में, प्याज ऐड करेंगे क्यूब्स में कटा हुआ, थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे, कॉर्न्स ऐड करेंगे बॉइल्ड, और आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चीज़ जितना ज़्यादा मर्ज़ी यूज़ करें कम करें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जो चीज़ें घर में अवेलेबल हैं आप वो सब चीज़ें डाल के इसको बना सकते हैं। ऑलिव ऐड किया मैंने, और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़े से थाइम्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। हमने कंप्लीट एक उसमें ऐड करना है फ्लेवर पिज़्ज़े का। कुछ मैंने चिली फ्लेक्स उसमें ऐड कर लिए हैं, और हमारा ये बाउल रेडी है बेक होने के लिए। अब इसे भी हम 1 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये देखिए जी, ये बेक होके हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया इन बाउल, और अब हम इसको चेक करके देखते हैं। ये देखिए, जब आप ये बाइट लेंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा रहेंगे कि ये बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर और सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा है जैसे हम पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। बहुत ही मज़े का बना था। ये देखिए, अब नीचे तक आपको इसकी एक डो की लेयर नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं। तो नीचे हमारी ब्रेड होती है, ब्रेड उसकी पिज़्ज़े की, और फिर उसके ऊपर टॉपिंग होती है। आप बिल्कुल वैसे ही, आपको फ़्लेवर और वैसे ही आपकी सारी फीलिंग देखने में भी आपको वैसे ही नज़र आ रहा है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और रेसिपी को शेयर करिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह।